लेक्चर नंबर 31 है इंसाइट लर्निंग जू 403 एनिमल बिहेवियर का। इंसाइट लर्निंग क्या होती है? इंसाइट लर्निंग जो है इंसाइट इज इमीडिएट एंड क्लियर लर्निंग। ये क्लियर लर्निंग है और फौरी तौर पर जो सीखी जाने वाली लर्निंग होती है ये वो होती है। अंडरस्टैंड ये किसमें हेल्प करती है कि अंडरस्टैंडिंग द टेक प्लेस विदाउट ओवर ट्रायल एंड एरर टेस्टिंग, यानी इसमें कोई भी ये ट्रायल और एरर का जो है मसला नहीं होता कि इसमें क्या बेनिफिशियल होगा क्या इसके लिए नुकसानदेह होगा, वो मतलब क्लियर होता है इसमें कि इसने कैसा एक्शन जो है का रिएक्शन देना है। इनसाइट अक्कर व्हेन एनिमल रिकॉग्नाइज दैट कैन हेल्प देम न्यू सॉल्व प्रॉब्लम, मतलब इनसाइटिंग के जरिए जो है एनिमल क्या करता है पहचान लेता है रिलेशनशिप्स को या किसके दरमियान ऑब्जेक्ट्स के दरमियान और एक्शंस के दरमियान जो उसको हेल्प करती है कि वो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर ले। अब इनसाइट लर्निंग क्या के बताया हुआ है कि ये टाइप है लर्निंग की जो यूज़ करती है रीजंस को और ख़ास तौर पर जब उसने कोई कंक्लूजन या जजमेंट निकालना हो एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अ टाइप ऑफ लर्निंग दैट यूज रीजंस स्पेशली टू फॉर्म कंक्लूजन इन्फ्लुएंस और जजमेंट टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। इट इज़ बेस्ड ऑन एडवांस परपेचुअल एबिलिटीज सच एज थॉट एंड रीजनिंग, यानी ये बेस्ड होता है परपेचुअल एबिलिटीज़ पर जैसे कि सोचना और रीजनिंग वगैरह। उसके अलावा है कॉलर ने जो है वर्क किया इसके ऊपर कि इनसाइड लर्निंग क्या होगी। उसने एक्सपेरिमेंट से प्रूव कर दिया इनसाइड लर्निंग को कि उसने अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान एक केला को लिया और उसको एक जो है केज के बाहर जो है रख दिया जिसके अंदर हेनरी जो है चिंपैंजी मौजूद था। टू स्टिक्स वाज गिवन टू चिंपैंजी, दो स्टिक्स दिए गए चिंपैंजी को बट टू शॉर्ट फॉर फॉलिंग इट टू द फूड बट जॉइनेबल टू मेक अ सिंगल स्टिक बाय ऑफ सफिशिएंट लेंथ, यानी उसने चिंपैंजी को दो शॉर्ट जो है वो स्टिक्स दी लेकिन वो जो स्टिक्स थी वो जॉइनेबल थी यानी जोड़ी जा सकती थी एक दूसरे के साथ। पहला क्या किया चिंपैंजी ने, चिंपैंजी ट्राई टू यूज़ ओनली अ स्टिक टू रीच बनाना। उसने क्या किया कि स्टिक्स एक ही स्टिक को यूज़ किया बनाना तक पहुंचने में। देन ही ट्राई टू यूज़ वन स्टिक टू पुश द अदर अलोंग टू टच द बनाना, फिर उसने क्या किया दूसरे स्टिक्स के जरिए उसको पुश करने की कोशिश की बनाना को टच करने की। फिर उसकी सोचने की सलाहियत के बाद एक्सटर्नली जो है वो स्टिक्स जो है वो ज्वाइंट हो गई। ऑब्जर्व द रिजल्ट एंड यूज इट रिट्रीव द बनाना, इट रिपीटेड एक्सपेरिमेंट द चिंपैंजी ज्वाइन द टू स्टिक्स एंड टुक द बनाना इमीडिएटली, यानी उसने बार बार ट्राई किया और जो है स्टिक्स को ज्वाइन किया और उसने बनाना को फिर हासिल कर लिया। अब आगे है कंसेप्ट ऑफ एनिमल कॉग्निशन, एनिमल की कॉग्निशन के बारे में कंसेप्ट क्या हैं। 32 लेक्चर नंबर है हमारा। एबिलिटी ऑफ एन एनिमल नर्वस सिस्टम टू परसीव स्टोर प्रोसेस एंड यूज इंफॉर्मेशन गैदर बाय सेंसरी रिसेप्टर, यानी जानदार की जानवर की वो सलाहियत जिसके ज़रिए नर्वस सिस्टम परसीव करता है या स्टोर कर लेता है प्रोसेस करता है कि उसने कैसे काम करना है और यूज़ करता है इंफॉर्मेशन को इकट्ठी करके कहाँ से सेंसरी रिसेप्टर से, यानी सेंस वाले जो हमारे रिसेप्टर्स होंगे वो क्या करेंगे इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करेंगे फिर उनको प्रोसेस करेंगे फिर उनको स्टोर करेंगे फिर उनको प्रसीव करेंगे। इसकी ये जो सलाहियतें हैं ये क्या कहलाएंगी, एनिमल कॉग्निशन कहलाएंगी। इन कंपासिस द मेंटल कैपेसिटीज ऑफ नॉन ह्यूमन एनिमल्स, इन कंपास करती है मेंटल कैपेसिटीज़ को जो ह्यूमंस नहीं है ऐसे जानवरों में। एनिमल प्रोसेस इंफॉर्मेशन फ्राम आई एयर एंड अदर सेंसरी ऑर्गन्स टू प्रसीव द एनवायरमेंट्स, यानी एनिमल जो प्रोसेस का इंफॉर्मेशन जो है वो कहाँ कहाँ से लेता है, आई से एयर से और दूसरे सेंसरी ऑर्गन जैसे स्किन हो गई, ठीक है। उसके बाद है प्रॉब्लम सॉल्व कैन बी लर्न बाय ऑब्जर्विंग द बिहेवियर ऑफ अदर एनिमल, और प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है कैसे कि वो लर्न करता है ऑब्जर्विंग को कि ऑब्जर्व करता है बिहेवियर ऑफ अदर एनिमल्स को। रिसर्चर्स हैव एग्जामिन्ड एनिमल कॉग्निशंस इन, अब रिसर्चर्स ने एग्जामिन किया है एनिमल कॉग्निशन को किस किस में, मैमल्स में जिनमें प्राइमेट्स आ गए, क्रस्टेशियंस हैं, एलिफेंट्स एंड डॉग्स, कैट्स, हॉर्सेस, कैटल्स, रैकून्स एंड रोडेंट्स और बर्ड्स में इंक्लूडिंग पैरट, फाउल एंड पिजन्स, रेप्टाइल्स में, लिजर्ड्स में, स्नैक्स में, टर्टल्स में, फिशेज में, इनवर्टिब्रेट्स यानी सेफलोपोड्स में। इसकी एग्जाम्पल्स है एग्जाम्पल ऑफ एनिमल कॉग्निशन की, चिंपैंजी लर्न टू जॉइंट स्टिक द रीच बनाना यानी
दो स्टिक्स को जोड़ना और उसके बाद बनाना को हासिल करना, ये एनिमल कॉग्निशन की एग्जांपल है। कैसे एग्जांपल है कि उसने अपने सेंसरी सेंस को यूज़ किया कि हाउ टू जॉइन द स्टिक्स, वो जॉइन कैसे करे इन स्टिक्स को और कैसे उस खुराक को हासिल करे। क्लार्क और नेचुरल क्लार्क कैन फाइंड फूड हिडन इन कैचेस लोकेटेड हाफ वे बिटवीन पर्टिकुलर लैंडमार्क, और उसके बाद जो है वो हिडन कैचेस में कहाँ पे खुराक मौजूद है वो उन क्लार्क ने कैसे फाइंड किया। और उसके अलावा रैमन शोइंग सोफिस्टिकेटेड सोशल कॉग्निटिव स्किल्स इंक्लूडिंग द फॉर्मेशन ऑफ कॉलिशंस, कंसिडरिंग विजुअल पर्सपेक्टिव ऑफ अदर एंड डायरेक्टिंग को स्पेसिफिक अटेंशन टू एक्सटर्नल रेफरेंस। यानी वो क्या कह रहा है, रेमन जो है वो शो कर रहा है सोफिस्टिकेटेड सोशल कॉग्निटिव स्किल्स को, जिनमें कौन कौन से शामिल हैं, उनके कॉलिशंस कैसे बनेंगे और उसके अलावा विजुअल जो है पर्सपेक्टिव कैसे बनाएगा, ये कंसीडर कैसे करेगा, और फिर जो कौन स्पेसिफिक डायरेक्शंस हैं उनको तरफ जाएगा, फिर ये क्या करेगा, अटेंशन करेगा एक्सटर्नल रेफरेंस की तरफ। उसके बाद है लेसन नंबर 33 स्पेशल लर्निंग एंड कॉग्निटिव मैथ्स। यानी स्पेशल लर्निंग क्या होती है और कॉग्निटिव मैथ्स क्या होती हैं। स्पेशल लर्निंग है कैपेसिटी टू एस्टैब्लिश अ मेमोरी, यानी मेमोरी को एस्टैब्लिश करना कि वो सलाहियत दैट रिफ्लेक्ट, जो रिफ्लेक्ट करती है इन्वायरमेंट को, कि वो क्या कहलाती है, स्पेशल स्ट्रक्चर्स कहलाती हैं। अब स्पेशल लर्निंग क्या होंगी इसकी एग्जांपल्स पढ़ेंगे। स्पेशल लर्निंग इन्हांस बढ़ा देती है एक ऑर्गेनिज्म की फिटनेस को माहौल के अंदर। स्पेशल ये जो है वो क्विज़ में भी आया हुआ है अभी कि स्पेशल लर्निंग जो है इन्हांस कर देती है एक ऑर्गेनिज्म की फिटनेस इन्वायरमेंट के अंदर। एवरी नेचुरल इन्वायरमेंट हैज़ स्पेशल वेरिएशंस, फॉर एग्जांपल लोकेशन ऑफ नेस्ट साइट्स, हैज़र्ड्स, फूड्स, प्रोस्पेक्टिव मेट्स। अब स्पेशल लर्निंग की एग्जांपल क्या है, बिहेवियर ऑफ अ फीमेल डिगर वैस, यानी जो फीमेल डिगर वैस है उसका बिहेवियर जो है वो स्पेशल लर्निंग होगा। और नेस्ट इन अ स्मॉल बोरो डग इनटू माउंड्स, एग्जांपल्स आप लोग देख लीजिएगा, इतनी कोई जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। ये आगे कॉग्निटिव मैप है, आर रिप्रेजेंटेशन इन एन अवर सिस्टम टू स्पेशल रिलेशनशिप बिटवीन सब्जेक्ट्स इन एन एनिमल सराउंडिंग, यानी रिप्रेजेंट करना नर्वस सिस्टम के अंदर स्पेशल रिलेशनशिप को ऑब्जेक्ट्स के और जानवर के अंदर और उसके इर्द गिर्द के माहौल के अंदर, वो क्या कहलाएगी, कॉग्निटिव मैप्स कहलाएगी। ये क्या करती है, इट इन्वॉल्व रिलेटिंग लैंडमार्क पोजीशन टू वन अनदर, यानी ये इन्वॉल्व करती है लैंडमार्क को एक दूसरे के साथ पोजीशनिंग में, ठीक है। कॉग्निटिव मैप्स फॉलो करती है अब्स्ट्रैक्ट ज्योमेट्रिक रूल्स को और रिड्यूस कर देती हैं अमाउंट ऑफ डिटेल रिक्वायर्ड टू रिमेंबर एन ऑब्जेक्ट लोकेशन। उसके बाद इसकी एग्जांपल्स क्या हैं, क्लार्क नट ट्रैकर बर्ड्स स्टोर थाउजेंड ऑफ पाइन सीड्स इन ऑल थाउजेंड ऑफ हिडन प्लेसेस। उसके बाद क्या चिन्ह हैं, और ड्यूरिंग विंटर दे आर रीलोकेट देयर कैचेस। उसके बाद है कॉग्निशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, कॉग्निशन और उसकी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व की जाती हैं, द प्रोसेस ऑफ इंटेलेक्ट रिप्रेजेंट बाय अवेयरनेस अंडरस्टैंडिंग रीजनिंग रिकॉलिंग मेमोरीज एंड जजमेंट, ये कॉग्निशन कहलाती है कि वो प्रोसेस जिसमें इंटेलेक्ट किया जाए, रिप्रेजेंट किया जाए किसी अवेयरनेस को और समझा जाए रीजनिंग को और रिकॉल किया जाए मेमोरी को और जजमेंट्स को, वो क्या कहलाएगी, कॉग्निशन कहलाएगी। ये मोस्ट कॉम्प्लेक्स फॉर्म है लर्निंग की, करैक्टरिस्टिकली जो है एग्जिबिटेड बाय प्राइमेट्स और आल्सो शोन बाय मैनी मैमल्स, सेफलोपोड्स और इंसेक्ट्स में। इसके बाद इसकी प्रॉब्लम क्या है, ये डिपेंड करती है इंफॉर्मेशन प्रोसेस बाय एबिलिटी ऑफ नर्वस सिस्टम, यानी ये नर्वस सिस्टम की एबिलिटी के वो कैसे प्रोसेस करेगा इंफॉर्मेशन को, उस पर डिपेंड करती है। अ कॉग्निटिव एक्टिविटी ऑफ डिवाइसिंग अ मेथड टू प्रोसेस वन स्टेट टू अनदर इन द फेस ऑफ अपेरेंट ऑब्स्टेकल्स, यानी कॉग्निटिव जो एक्टिविटी है वो डिवाइस करती है उस मेथड को जो प्रोसीड करेगा वन एक स्टेट से एक हालत से दूसरी हालत तक, कि वो कैसे अपेरेंट ऑब्स्टेकल होती हैं रुकावटें कैसे उसको जो है वो फेस कर रहा है। प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर, अब प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला बिहेवियर, प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर इज हाईली डिपेंडेंट डेवलप्ड इन सम मैमल्स, यानी जो प्राइमेट और डॉल्फिन हैं, सम बर्ड्स हैं जिसमें रेवंस आगे, क्रोज आगे, एंजेज आगे और
अ चिंपैंजी प्लेस इन रूम सेवरल बॉक्सेस ऑन द फ्लोर. उसके एक जो है चिंपैंजी को कमरे में रखा गया, उसमें बहुत सारे बॉक्सेस रख दिए फ्लोर पे. एक बनाना जो है लटका दिया गया और जो उसकी पहुंच से दूर था चिंपैंजी के साइज अप बाय स्टैकिंग द बॉक्स. फिर उसने चिंपैंजी ने क्या किया, बॉक्सेस को साइज अप किया कि सबसे बड़ा नीचे, फिर उसके बाद उससे छोटा. और फिर इस काबिल हो गए इनेबलिंग टू रीच फूड के, उस काबिल हो गया कि वो अपने फूड तक पहुंच जाए. अब आके है इकोलॉजी एंड जेनेटिक टू मेंटेन एनिमल बिहेवियर, यानी वो इकोलॉजी और जेनेटिक्स का आपस में ताल्लुक है. वो कैसे मेंटेन कर रहे हैं एनिमल बिहेवियर को. एनिमल फैक्टर्स इन बिहेवियर डेवलपमेंट, जीन ऑफ एन इंडिविजुअल प्रोवाइड्स इंस्ट्रक्शंस फॉर बिहेवियर डेवलपमेंट. जीन जो है किसी भी इंडिविजुअल का वो प्रोवाइड करता है इंस्ट्रक्शंस कि वो कैसे बिहेव करे और कैसे बिहेवियर को डिवेलप करे. एक्सप्रेशन ऑफ जीन इज़ इन्फ्लुएंस बाय मैनी इन्वायरमेंटल फैक्टर, यानी जो जीन्स के एक्सप्रेशन हैं वो मुतासर होते हैं इन्वायरमेंटल फैक्टर से. एनिमल बिहेवियर डिवेलप बाय कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन बिटवीन जेनेटिक एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स. एनिमल बिहेवियर जो है वो डिवेलप होता है कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन से जीन्स के अंदर और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के अंदर. इन्वायरमेंट ऑफ फर्टिलाइज्ड एग एनिमल डाइट जिसमें आ गए, और उसके अलावा एनिमल सोशल इंटरेक्शन आ गई, इन्वायरमेंटल कंडीशन इन एनिमल सराउंडिंग्स. उसके बाद स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट अफेक्ट्स ऑन जीन एक्सप्रेशन के ऊपर, इसके जो है वो कैसे जो अफेक्ट करेगा ये स्टडी इन्वायरमेंट की. टू मैथड्स टू डिटरमाइन एक्सटेंट ऑफ डेवलपमेंट इन्वायरमेंटल इफेक्ट ऑन एक्सप्रेशन ऑफ बिहेवियर जीन, जिसमें क्रॉस फॉस्टरिंग स्टडी आ गई और ट्विन स्टडीज आ गई. क्रॉस फॉस्टरिंग स्टडी क्या है, यंग ऑफ वन स्प्रिंग स्पीशी, यानी किसी भी एक स्पीशी का जो है वो एक जानदार या बच्चा कह लो ऑफस्प्रिंग कह लो आर नर्टर्ड बाय अडल्ट ऑफ अनदर स्पीशी. एक्सटेंट ऑफ चेंज इन ऑफस्प्रिंग्स इज डिटरमाइन, यानी जो ऑफस्प्रिंग के अंदर चेंजिंग आएगी वो उस बिहेवियर को डिटरमाइन किया जा सकता है. चेंजेस आर मेजर ऑफ हाउ सोशल एंड फिजिकल इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंस बिहेवियर, चेंजेस को मेजर करेंगे कि कैसे सोशल और फिजिकल जो इन्वायरमेंट है वो कैसे मुतासर कर रहा है बिहेवियर को. मेल ऑफ सर्टेन माउस स्पीशी हैव बिहेवियरल डिफरेंस दैट आर वेल सूटेड फॉर क्रॉस फॉस्टरिंग स्टडी. उसके बाद ट्विन स्टडी इन्फ्लुएंस ऑफ जेनेटिक्स एंड इन्वायरमेंट ऑन ह्यूमन बिहेवियर, इसमें क्या है कि ये इन्फ्लुएंस कर रहा है जेनेटिक्स और इन्वायरमेंट्स को कि कैसे वो ह्यूमन बिहेवियर पर जो है इफेक्ट कर रहे हैं. इट्स क्लोज बाय ट्विन स्टडी, अब ये भी ट्विन स्टडी पर जो है वो ये एक्सप्लोर्ड कहाँ से हुई, ट्विन स्टडी से. बिहेवियर ऑफ आइडेंटिकल ट्विन्स आर कंपेयर्ड विच आर रेस्ड अपार्ट रेस्ड इन द सेम हाउस होल्ड. ट्विन स्टडीज आर कैरिड आउट फॉर ह्यूमन बिहेवियर डिसऑर्डर. स्काइफोजोन्स आ गए, एंग्जाइटी डिसऑर्डर आ गई, अल्कोहलिज्म आ गई, रिवील द इफेक्ट ऑफ डिफरेंट एनवायरमेंट ऑन द एक्सप्रेशन ऑफ डिसऑर्डर. वेरी 20-80% इन सेपरेट इन्वायरमेंट्स, सिग्निफिकेंट है ये वेरिएशन इन डेवलपमेंट ऑफ दीज डिसऑर्डर्स इन ह्यूमन को प्रूव कंट्रीब्यूशंस ऑफ बोथ इन्वायरमेंटल एंड जेनेटिक फैक्टर, यानी ये अहमियत रखती है वेरिएशन किसमें डेवलपमेंट ऑफ ये मतलब जितने भी डिसऑर्डर्स हैं इनकी डिवेलपमेंट में ये जो है वो अहमियत रखती हैं कि इन्वायरमेंटल फैक्टर और जेनेटिक फैक्टर्स जो हैं वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इन डिज़ीज़ को जो है बढ़ाने में. हमारे ये जो है 35 लेक्चर्स कंप्लीट हो गए, इंशाल्लाह जो कल हमारा मिड का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, कल से इंशाल्लाह 36 वाला लेक्चर स्टार्ट करेंगे.